मुरैना का डिस्ट्रिक्ट ई कोर्ट पोर्टल है, मुरैना डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन ई फाइलिंग ई कोर्ट पोर्टल। इसके मुरैना डिस्ट्रिक्ट के डाटाबेस सर्वर के कनेक्शन सारे हटे हुए हैं और ये मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ये मुरैना डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन बोर्ड का पोर्टल है, इसे सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी द्वारा संचालित किया जाता है। ये मेरा अकाउंट है और ये खुला। अब हम इसमें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इसमें समस्या है। ये खुला गया, ये खुला। अब हम इसमें चुनते हैं, सबसे पहले चुनेंगे हम यहाँ से स्टेट, चुनाव मध्य प्रदेश। डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे तो आप चुन लीजिए, मान लीजिए बालाघाट। सिलेक्ट एस्टैब्लिशमेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बालाघाट। मान लीजिए क्रिमिनल केस फाइल करना है तो मैटर टाइप यहाँ से ओरिजिनल। सिलेक्ट केस टाइप, ये पूरा ये खुलता है कि किस किस टाइप का केस है उसको आप फाइल करना है। अब हम चुनते हैं यहाँ से डिस्ट्रिक्ट मुरैना। ये इसकी लिस्ट है डिस्ट्रिक्ट की, इसमें से हमने ये मुरैना यहाँ पर चुना। ये रहा मुरैना। अब इस्टेब्लिशमेंट हमने चुन लिया, वही आता है इसमें डिस्ट्रिक्ट को। और मान लिया चुन लिया क्रिमिनल केस ओरिजिनल, और केस टाइप चुनेंगे तो ये, यानी इसमें कोई जानकारी नहीं होती है, यानी कि लिस्ट नहीं आती। यहाँ से आप आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि ये कॉलम फीड होना ज़रूरी है। ये डाटाबेस सर्वर से कनेक्शन हटा होने की वजह से ये नहीं खुल रहा केस टाइप। मान लीजिए नहीं खुल रहा और हम आगे बढ़ना चाहें तो पूछ रहा है कि MACT यानी मोटर एक्सीडेंट क्लेम या जो रहता है मोटर वो केस है नहीं, अर्जेंट है या ऑर्डिनरी। मान लीजिए ऑर्डिनरी है, अब आगे बढ़ना चाहें तो वो अपने आप कहेगा सिलेक्ट केस टाइप, यहाँ से आगे बढ़ेगा ही नहीं जब तक केस टाइप ये सिलेक्ट नहीं है। ये लालच से बन जा रहा है, ये केस टाइप यहाँ मुरैना डिस्ट्रिक्ट पर नहीं होता है ये। इसके बाद हम मान लीजिए चुन लेते हैं ग्वालियर, मान लो दतिया चुन लिया। दतिया एस्टैब्लिशमेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्रिमिनल और केस टाइप यहाँ से चुनेंगे, ये लिस्ट खुल जाएगी। इस तरह लिस्ट खुलती है, इसमें से आप जब केस टाइप चुन लेते हैं तब ये आगे बढ़ेगा। मान लीजिए हमने चुन लिया कोई सा भी ले लिया उदाहरण के लिए, और इसको आगे करेंगे अब हो जाएगा सन, ये अब आगे खुल गया। मतलब ये मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ, अब हम मान लीजिए चुनते हैं दूसरी डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं कोई, मान लीजिए भिंड ले ली भिंड। अब भिंड में हमने एस्टैब्लिशमेंट डिस्ट्रिक्ट को चुन लिया। अब देखिए आना इसमें बंद हो गया, पहले वाले वीडियो में ये भिंड का खुल रहा था, भिंड का आना बंद हो गया। अब मान लीजिए हम चुनते हैं इसमें दमोह और एस्टैब्लिशमेंट, ये देखिए इस तरह से खुलते हैं सिविल कोर्ट हटा ले लिया, वहाँ पर क्रिमिनल लगाना है इसमें और ये ओरिजिनल और ये केस टाइप, ये इस तरह से लिस्ट खुलती है। इसमें से आपको इसे चुनेंगे इस टाइप का केस फाइल करना, हर जगह का खुल रहा। अकेले मुरैना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का इसमें से गायब कर दिया गया है डाटाबेस सर्वर, अपलोड नहीं होगा इसमें।
ये मुरैना डिस्ट्रिक्ट चुना, एस्टैब्लिशमेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चुना, ये मान लीजिए क्रिमिनल केस टाइप पे जैसे ही चुनेंगे यहाँ पर ये खाली, कोई जानकारी नहीं है। यहाँ से आप आगे ही नहीं बढ़ सकते, कोई केस फाइल ही नहीं। अब मान लीजिए चुनते हैं इसमें से, मान लो भोपाल चुन लेते हैं, भोपाल में केस फाइल करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को चुन लिया, क्रिमिनल चुन लिया, और ये केस टाइप इस तरह से खुलता है। हर जिले का खुल रहा, अकेले मुरैना ज़िले का नहीं खुल रहा है। मुरैना ज़िले का डाटाबेस सर्वर डिस्कनेक्ट है, इसका अर्थ ये। अब मान लीजिए मुरैना ले लिया, इसमें आप आँखों से देखिए साक्षात गड़बड़ गया मुरैना का। ई कोर्ट का जो एप्लीकेशन है इसमें केस की जानकारी लेते हैं, वकील भी लेते, जनता भी लेते, ये उसी से चलता। ये जहाँ ये हालत है वही हालत ई कोर्ट एप्लीकेशन पर होगी, उसमें भी आप मुरैना डिस्ट्रिक्ट का कोई केस अपडेट नहीं पाएंगे। जब यहाँ होने लगेगा तो वहाँ अपने आप होगा। अब इसमें केस टाइप मुरैना चुना है मैंने आपके सामने, एस्टैब्लिशमेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये अब सिलेक्ट केस टाइप कोई जानकारी। मान लीजिए आप अपनी तरफ से भर भी दें इसमें, मान लो RCT भरते हैं, डाटाबेस से कनेक्ट नहीं तो उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। देखिए नो रिजल्ट फाउंड लिख के आ रहा था ना, यह पोजीशन है। मुरैना जिला इसलिए तरक्की नहीं कर पा रहा, इसलिए पिछड़ा हुआ है, क्योंकि मुरैना में इस टाइप का माहौल है। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात कर रहे हैं हम, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का पोर्टल है। इसलिए मुरैना इतना पिछड़ा, पहले मुरैना जिले के पर ही ये सब गड़बड़ हो रही है और बात बाकी कहीं नहीं हो रही है, किसी भी जिले में, किसी भी जिले का कोई नहीं है। अकेला मुरैना जिले का डाटाबेस सर्वर डिस्कनेक्ट हुआ पड़ा है। ये मान लीजिए मैंने ग्वालियर खोल लिया, अब देखिए अब हरकत ग्वालियर की रुक गया, यही ये पोजीशन है, ये फिल्म है। मैंने आपको वहां पर से बता दी, ये मेरा अकाउंट है। अब इससे मैं लॉग आउट कर रहा हूँ अपने अकाउंट से।
यहाँ आप देख रहे हैं तो जैसा न्यायालय की जो फिल्म हम दिखा रहे हैं, ई कोर्ट का जो टाटा रिक्शा बंद हुआ उसमें समस्या पैदा हो रही मुरैना जिले के अंदर, उसी के तहत ये एक आवेदन NIC के सर्वर में जो गड़बड़ थी, RCNS पोर्टल है मध्य प्रदेश शासन का, राजस्व विभाग का, उसमें ये शिकायत 10 अगस्त को प्रस्तुत हुई थी। उस शिकायत में हम दिखा रहे हैं, इसमें यह शिकायत एक की गई थी कि RCMS जो पोर्टल है राजस्व विभाग का, उसका डाटा जो सर्वर बीच में ही डिसेबल या डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि डाटा भी जितना भी आवेदन मनुष्य पेश करता है, कोई व्यक्ति पेश करता है मध्य प्रदेश में कहीं बैठा हुआ, वो आवेदन डाटा बेस सर्वर में पहुंचता है। दूसरा क्या है कि जैसे कोई आवेदन जमा कर रहा है और मान लीजिए उसमें कहीं शुल्क भी लगता है, तो शुल्क में होता यह है शुल्क अलग सर्वर से होता है, वो ट्रेजरी का, ई ट्रेजरी का एक अलग पोर्टल है, उस पर ट्रांसफर होकर के वो शुल्क वहाँ जमा होता है। तो उस आदमी का शुल्क तो जमा हो जाता है, लेकिन आवेदन कभी भी डाटा बेस सर्वर अगर डिस्कनेक्ट है या डिसेबल है तो जमा नहीं हुआ। तो अनेक केसों में ऐसा सामने आता है कि आवेदन जमा नहीं होता, शुल्क जमा हो जाता है। तो इस प्रकार की ये शिकायत हमने 10 अगस्त को भेजी थी। 10 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन ने इसको कलेक्टर मुरैना को भेज भी दिया था, उसके बावजूद भी मुरैना NIC में ही कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मुरैना से संबंधित जितने भी कहीं भी लिंक होती है किसी भी पोर्टल की, जैसे मैंने यहाँ न्यायालय मुरैना का यहाँ जो फिल्म दिखा रहा हूँ, तो बेसिकली जो न्यायालय की जो वेब पोर्टल है ई कोर्ट, ये अधीन भले ही न्यायालय के है, ये जो है चलती तो बेसिकली NIC के सर्वर से है। यानी कि पहले डाटा अपने पास में स्टोर करता न्यायालय अपने सर्वर रूम, फिर वहाँ से ये ट्रांसफर होता है या अपलोड होता है या उसको बैकअप इसको ये भेजते हैं, जो भी है प्रक्रिया इनकी, वो जाता NIC के माध्यम से ही है, NIC के माध्यम से ही है। तो सर्वर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है जो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं, उसके जरिए वो दिखाता है जो ब्राउजर में आप देखते हैं। फिर उसके भीतर अगर कोई डाटा फीड करना है या आवेदन पत्र का कोई ब्यौरा जमा करना है, वो सारा ब्यौरा उससे आता है कनेक्टेड डाटा बेस सर्वर से, उसी वेब पेज से संबंधित किसी भी कॉलम का या फॉर्म का डाटा बेस सर्वर से रहता है। तो डाटा बेस सर्वर अलग रहता है और HTTP सर्वर अलग रहता है। अब जो है जब किसी वेब पेज को डाटा बेस सर्वर से कनेक्ट करके रखा जाता है, तो उसमें आप फॉर्म जितना भी जानकारी भरेंगे या और जानकारियाँ भरेंगे, वो ऑटोमेटिकली डाटा बेस सर्वर पर जमा होती चली जाती है, और इस तरह कोई भी आवेदन संबंधित डेस्टिनेशन तक पहुँचता है। तो डाटा बेस सर्वर बीच बीच में डिस्कनेक्ट कर देना, डिसेबल कर देने से होता ये है कि आपने भरा तो आपका आवेदन जमा नहीं होगा। ऐसी समस्या हमको आई थी तो हमने ये आवेदन दिया था, और ये आवेदन फिर जब हमने न्यायालय में एक प्रकरण में पेश किया, इसकी पूरी जानकारी ला रहे, तो उसी दिन से न्यायालय का सर्वर भी बंद हो गया, डाटा बेस सर्वर बंद हो गया, और ई कोर्ट सेवा पूरी तरह से मुरैना जिले के लिए ठप हो गई। जो हम फिल्म दिखा रहे हैं आप देख रहे होंगे, केवल मुरैना जिले के लिए ठप हुई है और सभी जिलों में चालू है। यानी गड़बड़ कहीं ना कहीं NIC के मुरैना से संबंधित सर्वर में। ये फिल्म आप देख रहे हैं, आपको समझ जाएंगे। न्यायालय समझता है उनके IT सर्वर में कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया, ये चिट्ठी भी हम आपको दिखा रहे हैं जो न्यायालय ने, लेकिन वो कह रहे हैं कि टेक्निकल कोई फॉल्ट है। ये टेक्निकल फॉल्ट वहाँ से नहीं है,
ये लाइन डिस्कनेक्ट डाटाबेस सर्वर की है मुरैना की, और इसमें आरसीएमएस पोर्टल मुरैना का काम नहीं करेगा। मुरैना से आपको ये अपलोड करना नहीं होगा, न्यायालय में करना जो है नहीं होगा, और भी कहीं किसी भी पोर्टल पर, सरकारी पोर्टल कोई सा भी हो, चाहे किसी, अगर उसका कनेक्शन किसी न किसी रूप में मुरैना के डाटाबेस सेंटर से है, जिसको एनआईसी बोलते हैं, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ये सब गड़बड़ वहाँ से होती है। इसकी शिकायतें पहले भी कई बार हुई हैं, और ये ताजी शिकायत हम दिखा रहे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री ने मुरैना कलेक्टर को भी भेजी, लेकिन ये निराकृत होने के बजाय और उलझ गई। उल्टे न्यायालय मुरैना का ही सर्वर बंद हो गया, डाटाबेस सर्वर की कोर्ट सेवा बंद है। कोई भी केस अपडेट हो रहा है ना कुछ अपडेट हो रहा है, वो समझ रहे हैं कि उनके यहाँ टेक्निकल फॉल्ट है। तो इसलिए ये फिल्म हम आपको दिखा रहे हैं, और न्यायालय का जो टेक्निकल फॉल्ट के बारे में जो चिट्ठी लिखी है उसको भी हम यहाँ दिखा रहे हैं। लेकिन जो है इस प्रकार की समस्या एनआईसी से क्रिएट हो रही है, एनआईसी के डाटा बेस सब घूम फिर के सरकार जितना भी है डाटा वो सब एनआईसी के डाटा बेस के माध्यम से ट्रांसफर होता है। न्यायालय का भी अगर आप गौर से देखेंगे तो एनआईसी का ईमेल और एनआईसी के सब धीरे से अलग, न्यायालय के ईमेल वगैरह सब अलग उसमें है, लेकिन जो मूल सर्वर है जिससे ई कोर्ट सेवा चलती है वो एनआईसी से ही चलती है। और इसमें जो समस्या आ रही है वो हमने आपको बता दी, फिल्म दिखा, और ये आवेदन भी दिखा रहे हैं कि जो आरसीएमएस पोर्टल था उस पर समस्या आ रही है। अभी तक इसका कारण ये मुरैना जिला से ही होना है और कहीं कहीं, क्योंकि बाहर के जिले जितने भी हो सब जगह सब, आप दूसरा जिला छोड़ रहे हैं तो वहाँ पर सब होने लगता है, मुरैना जिला छोड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। धन्यवाद। इसके साथ दूसरी जो बात रहती है इसमें बड़ी महत्वपूर्ण, वो एक और सर्वर जैसे एफटीपी बोलते हैं, यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसके जरिए जिसके पास में भी HTTP पोर्टल का यूजर आईडी पासवर्ड होगा, कंट्रोल पेन होगा, वो जो है मैनेज करता है किसी वेबसाइट को, लेकिन वो डाटा बेस सर्वर के बारे में अगर नहीं जानता है तो उसे मैनेज नहीं कर सकता। अगर उसमें कहीं कोई एरर आती है जैसे लाइव एरर बोलते हैं, तो उसकी वजह से भी ये समस्या उत्पन्न होती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर NIC के कंट्रोल रूम में मुरैना में अगर ये कंट्रोल पैनल का है, या न्यायालय में अगर कंट्रोल पैनल का